सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में आज हम स्केल नंबर 24 की कागज बांट करेंगे। इसकी लेंथ है 94 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 109 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए हमने कागज को हाइट की तरफ रखा है। हमने इसमें जो फुट्टा हमें दिया गया है वो है 1.8 सेंटीमीटर का। तो यह आप देख सकते हैं 1.8 सेंटीमीटर का फुट्टा इसमें यूज किया हुआ है। तो हमने इसको कागज़ को हाइट में रखना है, फिर हमने लेंथ और ब्रेथ को जोड़ना है। तो 94 और 60 होता है 154, तो हमने लेंथ से 154 सेंटीमीटर काटना है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा है 44 और 48 और 452 और 2 हमारा है 54। तो यहाँ पे हमने 154 सेंटीमीटर काट लिया है। बची हुई शीट के हमने बराबर 3 भाग करने, तो उसके लिए हमने यहाँ से एक न्यूनकोण लेना है इस तरह से, और हमने इसके ऊपर 3 बराबर निशान लगाने हैं अपनी मर्जी के। यहाँ से 1, 2, 3 इस तरह से, और हमने इनको मिला देना है। ये हम काउंटिंग लिख देंगे 1, 2, 3, और जो 3 है इसको हमने लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देना इस तरह से। इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है 2 से, और फिर हमने रेखा लेनी है यहाँ पे 1 से इस तरह से। ये हमारे 3 भाग हो गए हैं। हम इसको देख लेते हैं कि हमारे भाग सही है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये सॉरी 1 भाग, 2 भाग और ये हमारे 3 भाग बिल्कुल बराबर है। अब हमने यहाँ से 1 भाग छोड़ना है इस तरह से, और हमने लेनी है इसकी लेंथ, और लेंथ हमारी है 94 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये है 96, तो यहाँ से 2 पॉइंट पीछे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम लेंगे 1 भाग इस तरह से, फिर हम लेंगे इसकी ब्रेथ, ब्रेथ हमारी है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लेंगे, ये आप देख सकते हैं ये है हमारा 64, 2 62 घट गया और 2 60। तो यहाँ देख सकते हैं 1 भाग हमारा पीछे अपना बच जाता है। इसी तरह से नीचे भी हमने यहाँ निशान लगाना है, ये 1 भाग हम यहाँ छोड़ देंगे इस तरह से। फिर हम लेंगे यहाँ से इसकी लेंथ जो कि हमारी है यहाँ से 94 सेंटीमीटर, ये हमारा 94 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लेंगे 1 भाग यहाँ से, उसके बाद हम लेंगे ब्रेथ जो हमारी है 60 सेंटीमीटर यहाँ से, ये हमारा है 60 सेंटीमीटर। 1 भाग हमारा अपने आप यहाँ पे बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लाइन लगानी है और हल्के हाथों से हमने कार्य करना है यहाँ पे, हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से, और हमें सारी लाइनें लगा देंगे इसके बाद हमने क्या करना है, हमने हाइट की साइड में हाइट को और ब्रेथ को जोड़ना है। तो इसकी हाइट है 109 और ब्रेथ है 60, तो ये होता है हमारा 169 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा 60 और 64 और 60 68 और 169 सेंटीमीटर है ये। तो ये हमने यहाँ पर 169 सेंटीमीटर ले लिया है, और जो हमारी शीट बच गई है इसके हमने करने हैं बराबर 5 भाग यहाँ से, और इस तरह हमने इसमें लाइन लगानी है, और हमने प्रकार खोल के इस लाइन पे बराबर 5 निशान लगाने हैं 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से। इसमें हम लिख देते हैं काउंटिंग 2 3
चार पाँच। अब पाँच को जो हमने है वो लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ मिला देना है यहाँ पे। अब पाँच के समानांतर रेखा हमने लेनी है चार से, फिर हम रेखा लेंगे तीन दो और एक से। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि बराबर है, तो एक दो तीन चार पाँच बराबर भाग है। वो हमने दो बराबर भाग जितने प्रकार को कोई से भी दो आप ले सकते हैं क्योंकि सारे भाग बराबर है। तो इस तरह से हमने दो बराबर भाग की जितने प्रकार खोल दिए, और यहाँ से हम ऊपर से निशान लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हमने दो बराबर भाग के काट दिए है, छोड़ दिया है। इसके बाद हम लेंगे इसमें हाइट, यहाँ से हाइट इसकी है 109 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 96 और 400 104 और 2 6 और 2 8 और 1 9 इस तरह से 109 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ से सिर्फ एक ही भाग जितने प्रकार खोलनी है, आप कोई सा भी एक भाग ले सकते हैं, ये एक भाग है। तो यहाँ से हमने छोड़ना है हाइट के बाद हम छोड़ेंगे एक भाग। तो यहाँ पे एक भाग पे हमने निशान लगा दिया है यहाँ पे। इसके बाद हम छोड़ेंगे इसकी ब्रेथ, हम इसमें काट लेंगे यहाँ से, और ब्रेथ इसकी है 60 सेंटीमीटर। आप यहाँ देख सकते हैं ये 56 और 4 60 बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। दो भाग हमारे बच जाते हैं, और अब हमने क्या करना है, जितने दो भाग हमने पहले छोड़ रखे यहाँ पे, ये इतनी प्रकार खोल के हमने लेफ्ट साइड से भी यहाँ से इसमें निशान लगा देना है। दो भाग हमने छोड़ दिए हैं, अब हम काटेंगे इसमें इसकी हाइट 109 सेंटीमीटर। यहाँ से 109 सेंटीमीटर ये हमने पहले निशान लगा रखा है, और उसके बाद हम लेंगे इसमें एक भाग। तो एक भाग जितनी हम प्रकार खोल लेते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ भी ले रखा है, एक भाग बिल्कुल बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ से एक भाग जितने में प्रकार खोल दी है, निशान लगा दिया है। अब हमने यहाँ से ब्रेथ इसकी लेनी है जो है 60 सेंटीमीटर, ये हम निशान लगा देंगे, और दो भाग हमारे यहाँ पे अब ऑटोमेटिक बच जाएंगे। वह हमने ऊपर से इसमें लाइन लगानी है, तो यहाँ तो हम हल्की सी लाइन लगाएं, और ये लेंथ की जो लाइन आती है ये एलिवेशन इसमें बनता है, यहाँ हमारा साइड बनेगा। उसके बाद यहाँ हमने हाइट काट रखी है, ये लाइन हम पूरी लगाएंगे, ये आधा रेखा होती है बेस लाइन इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हम लाइन आगे लगाएंगे हाइट लिखने के लिए इस तरह से, और नीचे हम लाइन लगाएंगे इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पे और यहाँ हम सिर्फ निशान लगाएंगे, हम पूरी लाइन नहीं लगाएंगे कि मिट जानी है, हमें तिरछी लाइन लगानी होती है। हम यहाँ पे तिरछी लाइन लगाएंगे यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं फालतू जो हमारी लाइनें हैं उनको हम यहाँ पे मिटा देंगे इस तरह से। हम फालतू लाइन को मिटा देंगे, और जो हमारी हल्की लाइनें थी वो हमने यहाँ पर डार्क कर दी है। यहाँ हम लिखेंगे एक्स वाई लाइन लिखेंगे, और यहाँ साइड में हम इसमें लाइन लगाएंगे यहाँ पे, हम इसमें हाइट और ब्रेथ इसकी लिखेंगे, या हम लिखेंगे इसकी लेंथ इस तरह से। हाइट है इसकी 109 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर, और
इसकी जो लेंथ है वो है 94 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसमें लिखेंगे स्केल कार्ड, स्केल नंबर हमने इसमें यूज किया है 1.8 सेंटीमीटर, और यहाँ हम इसमें लिखेंगे एलिवेशन, यहाँ हम लिखेंगे इसमें साइट, यहाँ हम लिखेंगे इसमें प्लान, और यहाँ हम लिखेंगे प्रोजेक्शन इस तरह से। और हम यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये यहाँ है 94 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 109 सेंटीमीटर। ये हमारी जो स्केल है यह है स्केल नंबर 24। इस तरह से हमने इसकी कागज बांट करनी है और सफाई से हमने इसमें कार्य करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।